हेलो गाइस, वेलकम टू माय इल्प एक्सप्लोरर गेम प्ले। और आज गाइस हम सिनाबार आइलैंड की तरफ जाने वाले हैं। लेकिन आज हम सिनाबार आइलैंड की तरफ एक सीक्रेट केव है, उसके अंदर एक लाइटिंग बर्ड जो हंगामा मचा रहा है, उधर भी शायद हमें जियोवानी के साथ हमारी मुलाकात होगी। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यार लेट्स गो। और सामने वाले समुंदर में बहुत सारे बंदे मेरे साथ बैटल करने वाले हैं गाइज, अब बिग टाइम। लेकिन हम तीन या चार बंदों को स्किप तो करने वाले हैं, क्योंकि आगे जाके जो केव है उसके भी अंदर हमें बहुत घूम के टीम रॉकेट के बंदों को भी हमें हराना होगा गाइज। और सामने गोल्ड को हमने हराया सेप्टाइल के साथ, और नेक्स्ट क्लॉइस्टर आ चुका है, और सेप्टाइल के साथ फाइनली क्लॉइस्टर को भी हमने हरा दिया। और नेक्स्ट चैलेंज फिर से आएगा हमारे सामने, धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। फिर से केनिची नाम का भाई साहब, इसका तो एक शो आता था एक कार्टून में, जाने दो केनिची भी उसका नाम था। तो चलिए देखते, यहाँ पर भी एक केनिची नाम के बंदे के पास एक पॉलीवॉल नाम का पोकेमॉन है, उसको भी हमने फाइनली सेप्टाइल के साथ हरा दिया। तो चलिए नेक्स्ट आगे फिर से एक और बंदा शायद, ओ भाई इसका भी नाम कुंचिको कुछ ऐसा नाम है। तो चलिए इसके पास एक सील, देखते इसके ऊपर एनर्जी बॉल का एक और तगड़ा वार। नेक्स्ट फिर से एक और पोकेमॉन आ चुका है सीड्रा, इसके ऊपर भी एक और एनर्जी बॉल का तगड़ा वार गाइस। देखते हैं आगे फिर से एक और नया पोकेमॉन आ चुका है, फिर से एक और नया सील, इसके ऊपर फिर से एक और नया एनर्जी बॉल। लेकिन रुको, इसने एक सबसे पहले इसकी स्पीड की वजह से मेरे सेप्टाइल के ऊपर सबसे पहले हमला किया, और फाइनली हमने इस नए बंदे के साथ भी इसको हरा दिया। तो चलिए आगे फिर से एक और मैन वार्स, लेकिन हम उसके साथ बचे, लेकिन फिर से वो हमारे पीछे आ चुका है सक्सेसफुल। इसके पास है स्टार्मी पोकेमॉन, इसके ऊपर फिर से एनर्जी बॉल का तगड़ा हुआ। स्टार्मी अभी के टाइम हार चुका है, और नेक्स्ट पोकेमॉन फिर से सीड्रा आ चुका है गाइस। लेट्स गो, इसके ऊपर भी एनर्जी बॉल का तगड़ा हुआ, और फाइनली हमने लगातार बंदों को एनर्जी बॉल अटैक के साथ हरा दिया गाइस। लेट्स गो। और पोकेमॉन फैंस के लिए एक और नई बड़ी खुशखबरी गाइस, क्योंकि दो नए नए पोकेमॉन गेम्स आ चुके हैं अपने प्ले स्टोर के ऊपर, और उसके साथ अपना पुराना गेम जो था मॉन्स्टर एडवेंचर लेट्स गो, उसके सर्वर जो नहीं चल रहे थे उसके साथ एक और डिट्टू गेम आ चुका है, इल ड्रीम नाम करके पहले से ही था, लेकिन उसके भी सर्वर स्टार्ट नहीं हो रहे थे, और फिर से उसका न्यू वर्जन आ चुका है वही गेम, उसके साथ उसके सक्सेसफुली सारे के सारे सर्वर चल रहे गाइस। लेट्स गो। और फिर से एक और रिका नाम की ट्रेनर आ चुके हैं मेरे सामने अपने मेगा स्लो ब्रो को लेकर, देखते हैं फिर से इसके ऊपर हमने एनर्जी बॉल का तगड़ा हुआ। 103 अभी तक एचपी बची हुई गाइस, स्पेशल डिफेंस कम हो चुका है, फिर से एक सीजर के साथ फाइनली 83 एचपी कम हुई। देखते हैं नेक्स्ट एनर्जी बॉल के साथ मेगा स्लो ब्रो का काम तमाम। और नेक्स्ट एक गोल्ड का आ चुका है, इसके ऊपर एनर्जी बॉल के साथ फाइनली लास्ट अटैक हमने कर दिया है अपने सेप्टाइल के साथ। और आगे फाइनली ए आइलैंड आ चुका है मेरे सामने, और देखते हैं गाइस यहाँ पर कुछ रास्ता तो नहीं है, लेकिन रुको फिर से एक और मिज़ुकी नाम की ट्रेनर आ चुके मेरे साथ बैटल फाइट करने के लिए मैरोवैक को लेकर। देखते हैं हमने मैरोवैक को हरा दिया बिग टाइम, और नेक्स्ट ग्लूम आ चुका है, इसके ऊपर हम फटाफट से एश्योरेंस का 103 का तगड़ा वार, देखते हैं गाइस आगे क्या क्या होता है। उसने 32 का डैमेज, फिर से हमने एक और तगड़ा वार दिया, और भाई रुको अब बिग टाइम हमने नेक्स्ट पोकेमॉन चुन लिया इस क्लेडोल को। देखते गाइस साइबिम तगड़ा वाला लगने वाला है, इसके ऊपर ग्लूम 22 एचपी बची हुई गाइस अब बिग टाइम, और भाई 5 एचपी बची हुई अपने क्लेडोल की। फिर से साइबिम के साथ हमने ग्लूम को हरा दिया, और नेक्स्ट पोकेमॉन यहां पर विग्लीपफ आ चुका है, इसके साथ हमने नेक्स्ट पोकेमॉन को चुन लिया है एक अपने लुकारियो को। देखते गाइस फिर से हमने मेटल क्लॉक का तगड़ा वार, वो भाई एक 19 एचपी बची हुई इसके, फिर से एक और मेटल क्लॉक के साथ फाइनली हमने विग्लीपफ को यहाँ पर ही हरा दिया है गाइस। लेट्स गो। आगे सामने ये केव आ चुके हैं फाइनली, तो चलिए फटाफट से देखते हैं हम अपने नेक्स्ट पोकेमॉन को यहाँ पर आगे कर लेंगे गाइस। लेट्स गो। तो चलिए फटाफट से फाइनली एक और शायद सामने है कैंपर, देखते हैं इसके साथ हम बातचीत करते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल बिफोर आइस क्रिस्टल, देखते हैं गाइस वेरी डेंजरस डाउन देयर। ओके गाइस, हमने इसके साथ बातचीत कर ली है, वो कुछ डेंजरस की बात कर रहे थे, और सामने है फिर से टीम रॉकेट आ चुके हैं अपनी मैथ के साथ, और इनके पास है सबसे पहला पोकेमॉन अर्बॉक आ चुका है। अभी के टाइम इनके पास 5 पोकेमॉन, देखते गाइस
मेरे ऊपर तगड़ा वार किया। फिर से हम नेक्स्ट पोकेमोन अपने यहाँ पर मेटाग्रॉस को चुन लेते हैं। आइस फैंग का कुछ ज़्यादा असर नहीं और हमने साइकिक के साथ तगड़ा वार कर दिया। अब बिकना है अर्बॉक हार ही चुका है गाइस, लेकिन रुको, फिर से नेक्स्ट विक्ट्री बेल आ चुका है इसके ऊपर, फिर से साइकिक का तगड़ा वार और फाइनली यहाँ पर विक्ट्री बेल को भी हमने हरा दिया गाइस। नेक्स्ट लिकिटंग आ चुका है, फिर से हमने हैमर आर्म का तगड़ा वार और फाइनली यहाँ पर लिकिटंग ने मारनी हार और स्पीड यहाँ पर माइनस हो चुकी है। लेकिन रुको, 6 HP बची हुई गाइस मेरे तो उस पे ऊपर ध्यान ही नहीं गए। और नेक्स्ट वावा फेट आ चुका है गाइस। देखते हैं फ्लैश कैनन हम यहाँ पर यूज़ करते हैं और भाई साहब कुछ ज़्यादा असर तो नहीं हुआ लेकिन ठीक ठाक चल जाएगा। और अब के टाइम हमने फिर से फ्लैश कैनन के साथ एक और वावा पेट पोकेमोन को यहाँ पर हरा दिया। और लास्ट है यहाँ पर वीजिंग, और हमने गाइस यहाँ पर फिर से साइकिक अटैक के साथ वीजिंग को एक ही तगड़े वार में यहाँ पर हरा दिया। हिल प्लस हमारे एक और नया अटैक अपने पोकेमोन को, तो चलिए जाने दे। ठीक है गाइस, यहाँ पर क्रिस्टल में हम एक और पोकेबॉल को ले लेते हैं और आगे हम फ्यूचर रॉकेट के फाइटिंग द रॉकेट निका ट्रेनर के साथ हम यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। यहाँ पर गाइस क्वैक्सी अलग अलग पोकेमोन है और फाइनली निका का नीता एट टीम रॉकेट की ट्रेनर आ चुके अपने वॉल टॉप को लेकर। एनर्जी बॉल के साथ हमने वॉल टॉप को यहाँ पर हरा दिया। 8 HP बची हुई गाइस, क्या यार, थोड़े से के लिए ये पोकेमोन बचे रहते। फिर से नेक्स्ट मैग्नेटोन आ चुका है, हमने नेक्स्ट पोकेमोन अपने यहाँ पर क्लेडॉल को चुन लिया है और हमारे क्लेडॉल के ऊपर कुछ ज़्यादा आसान है। अर्थ पावर के साथ तगड़ा वार मैग्नेटोन को यहाँ पर हमने हरा दिया। और नेक्स्ट यहाँ पर कॉपिंग आ चुका है, देखते हैं इसके ऊपर। फाइनली हमने साइबिंग का तगड़ा वार और फाइनली कॉपिंग को यहाँ पर फाइनली हमने हरा दिया गाइस। तो चलिए फटाफट से हम नेक्स्ट बैटल के लिए आगे बढ़ते गाइस, लेट्स गो। फिर से गाइस यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर पोकेबॉल इसको हम लेते अपने बैग के अंदर आके गाइस। फिर से हमें एक और नए बंदे के साथ यहाँ पर ओ आइस क्रिस्टल को हमने यहाँ पर कलेक्शन करना होगा और एक को हमने लिया। और नेक्स्ट यहाँ पर हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए फटाफट से फिर से हम ट्वीट फाइट द टीम रॉकेट के साथ एक और नया मिशन आ चुका है। इस गिल नाम के बंदरिया के साथ हम यहाँ पर अभी के टाइम बैटल करने वाले हैं गाइस, लेट्स गो। देखते हैं गाइस हमारा यहाँ पर क्लेडॉल को हमने आगे रख लिया है। फिर से गाइस गिल के साथ हमने फाइट की और सामने गाइस ड्राउजी, देखते गाइस इसके ऊपर अर्थ पावर का तगड़ा वार 140 का डैमेज, 106 अभी तक HP बचे हुए गाइस ड्राउजी के। फिर से अर्थ पावर का तगड़ा वार, ड्राउजी ने मारी हार और नेक्स्ट माचो आ चुका है यार। और देखते हैं इसके ऊपर फिर से हमने साइबिंग का एक और तगड़ा कर दिया यार। देखते हैं और नेक्स्ट पोकेमोन, फिर से एक और नया पोकेमोन आ चुका है ग्राइमर, इसके ऊपर फिर से साइबिंग का एक और नया हमला और फाइनली एक और हमने गिल नाम की बंदरिया को यहाँ पर हरा दिया। मे बी नेक्स्ट टाइम ट्राई, फिर से यहाँ पर हम इस आइस क्रिस्टल को ले लेते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर टीम रॉकेट फाइट के तरफ बढ़ जाते हैं गाइस, लेट्स गो। यहाँ पर फिर से हम अलग तरह की जगह पे आ चुके हैं, देखते गाइस हमें वो लाइटिंग पोकेमोन बर्ड कहाँ पे देखने को मिलने वाला है गाइस, लेट्स गो। फिर से देखते हैं नेक्स्ट ट्रेनर यहाँ पर कहाँ है, उसको ही हम इस जगह पे ढूंढ रहे। तगड़ी सेल्फी ली अब बिक रहे हैं और फाइनली एक नया बंदा है, इसके साथ हम बातचीत नेक्स्ट टाइम करेंगे। लेकिन अब बिक रहा है मिशन कंप्लीट करने की ज़रूरत है। फिर से आ चुकी जैनी से, इसका नाम है जैनी से, ठीक है गाइज। इसके साथ हम फाइनली ओ नाउटी चिल्ड्रन, देखते गाइज बच्चे मत बोला कर आंटी, मैं यहाँ पर बहुत तगड़ा वाला ट्रेनर हूँ। देखते गाइज हमने गोल्ड बैट के ऊपर एक और नया तगड़ा वार के दिया, एक और एशियन पावर के साथ गोल्ड बैट को हमने यहाँ पर हरा दिया। और नेक्स्ट इसका भी ड्राउजी आ चुका है, देखते हैं अर्थ पावर के साथ एक और 132 का डैमेज, एक और हमें यहाँ पर हमला करने की जरूरत है। और अर्थ पावर के साथ फाइनली हमने यहाँ पर ड्राउजी को हरा दिया। और नेक्स्ट उसका इवोल्यूशन यहाँ पर हिप्नो आ चुका है, इसके भी ऊपर हमने अर्थ पावर का तगड़ा वार और एक 162 बची हुई गाइस, रुको, और 44 HP अब बिग टाइम बची हुई। फिर से एक और अटैक और फाइनली हिप्नो को हमने यहाँ पर हरा दिया एशियन पावर के साथ। फाइनली एक और टीम रॉकेट के बंदरिया को हमने हरा दिया, वाइज ऑलवेज ट्रेनर, देखते गाइस। फिर से आइस क्रिस्टल को हम यहाँ पर ले लेते हैं, देखते गाइस फिर से एक और नया फाइट द टीम रॉकेट और देखते हैं नई बंदी अभी के टाइम उसके साथ फिर से हमें यहाँ पर बैटल फाइट करने होगी गाइस। और हम नेक्स्ट टाइम इस जगह के सारे पोकेमोन को पकड़ने वाले। और इस जगह की एक खास बात है गाइस, वो बात अब सभी लोगों को लास्ट एंडिंग में जरूर से पता चलेगी।
और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और एक लाइक इस वीडियो को भी जरूर से कर देना मेरे यार। तो फिर से यहाँ पर ब्रेस्को लेडी आ चुकी है अपने रेटिकेट को लेके, और इसके ऊपर फिर से अर्थ पावर क्विक अटैक मिस हुआ और अर्थ पावर का तगड़ा वार 86 SP बच हुई गाइस। फिर से हमने यहाँ पर अर्थ पावर का तगड़ा हुआ और फाइनली रेटिकेट को यहाँ पर हरा दिया। अर्बॉक आ चुका है मेरे सामने, इसके ऊपर फिर से अर्थ पावर का तगड़ा हुआ और फाइनली अर्बॉक ने मारनी हार। और नेक्स्ट गोलबेट आ चुका है यार, इसके ऊपर साइबियम का तगड़ा वार और भाई फाइनली 57 SP बच हुई गाइस। फिर से एक और भाई साहब यहाँ पर एशियन पावर का तगड़ा वार और फाइनली गोलबेट को यहाँ पर हमने हरा दिया। और नेक्स्ट यहाँ पर फिर से कॉपिंग आ चुका है, इसके ऊपर फिर से हमने अर्थ पावर का एक और झटका दे दिया और फाइनली इस ब्रेस्को नाम की लेडी को हमने यहाँ पर ही हरा दिया गाइस। लेट्स गो, आई हैव पार्टिसिपेट नोटिस। देखते हैं गाइस फिर से हम यहाँ पर एक और नई सिटी की ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर एस आइस क्रिस्टल को हमने फिर से एक और बार ले लिया। इसके साथ हमारा एक और नया टास्क कंप्लीट हो ही चुका है गाइस। लेट्स गो, फिर से टीम रॉकेट का मिशन लॉरेंस वाले टीम रॉकेट के बंदे को हमें यहाँ पर हराना होगा और नेक्स्ट यहाँ पर बहुत बड़ा मिशन दिया जाएगा आप सभी लोगों के लिए, इसलिए लास्ट एंड तक जरूर से बने रहेगा। फिर से हमारा एक और नया टीम रॉकेट के बंदे के साथ यहाँ पर बैटल हो चुका है स्टार्ट और अर्थ पावर मिस और विजिंग ने खुद को ही तबाह कर लिया, लेकिन हमारे क्ले डॉल के ऊपर कुछ ज़्यादा असर नहीं। इसके बाद गोलबेट आ चुका है साइबियम के साथ, बाइट सबसे पहले लगा। ओ भाई सब क्या बाइट लगा भाई गोलबेट का यहाँ पर, साइबियम का भी तगड़ा हुआ और फिर से बाइट के साथ क्ले डॉल को यहाँ पर हरा दिया गाइस। इस गोलबेट ने भाई साहब मेटाग्रॉस को हमने यहाँ पर फाइनली बुलाया, साइकिक के साथ फिर से हमने इस तगड़े वाले गोलबेट को यहाँ पर हरा दिया और नेक्स्ट पोकेमॉन फाइनली हाजिर हो चुका है कॉपी। इसके ऊपर फिर से साइकिक का एक और नया तगड़ा और फाइनली हमने लॉरेंस, सॉरी इसका क्या नाम था गाइस, इसके कॉपिंग के सारे पोकेमॉन को हमने लॉरेंस नाम के बंदे को यहाँ पर हमने फाइनली सक्सेसफुली हरा दिया। अलवे स्टार्ट नेक्स्ट फाइट और फाइनली बेलिना ट्रेनर के साथ हमारी यहाँ पर नेक्स्ट फाइट होने वाले अब बिग टाइम और स्टार्ट हो चुकी। ओ इट्स सो कूल, देखते गाइस इसके पास एक सैंड श्रू और इसके ऊपर फाइनली हमने नेक्स्ट पोकेमॉन का यूज कर लिया अपने सेप्टाइल को। देखते हैं अब बिग टाइम फिर से एनर्जी बॉल का तगड़ा हुआ और सैंड श्रू ने मारनी हार और नेक्स्ट पोकेमॉन हाजिर हो गया है सैंड स्लैश। फिर से एनर्जी बॉल के साथ हमने सैंड स्लैश को के साथ बेलिना नाम की बंदरिया को हमने फाइनली हरा दिया। फेल बैक आई डोंट वांट। लेट्स गो गाइस, फिर से एक और आइस क्रिस्टल को हमें यहाँ पर लेने के लिए जाना होगा और अब बिग टाइम फिर से हमने सेप्टाइल को आगे रख लिया गाइस। लेट्स गो, यहाँ पर एक और नया मिशन कंप्लीट का रिवॉर्ड हमें 10,000 कॉइन मिल चुके हैं गाइस। तो चलिए फटाफट से हम आइस क्रिस्टल को यहाँ पर ले लेते हैं और नेक्स्ट मिशन फिर से एक और नए बंदरिया के साथ हमारी फाइट अब बिग टाइम होने वाली है गाइस। लेट्स गो, फिर से एक और नई सीढ़ी इसके ऊपर जाने के बाद देखते गाइस यहाँ पर फिर से वो बाटू नाम का एक, ओ भाई साहब इसके पास एक क्यूबॉन जो भी है शाइनी, इसके ऊपर फाइनली हमने एक और एनर्जी बॉल का तगड़ा हुआ। नेक्स्ट है शाइनी रेटिकेट, फिर से एनर्जी बॉल के साथ रेटिकेट के ऊपर तगड़ा हुआ, भाई साहब क्या तगड़ा वार कर दिया गाइस। फिर से हमने एनर्जी बॉल के साथ रेटिकेट को यहाँ पर हरा दिया और नेक्स्ट पोकेमॉन क्यूबॉन आ चुका है शाइनी वाला, इसके ऊपर फाइनली एनर्जी बॉल के साथ हमने इस एक नए ट्रेनर को भी हमने फाइट के साथ हरा दिया गाइस। लेट्स गो पटो को। इसके साथ हमारा एक और नया टास्क कंप्लीट हो चुका है, फिर से हमें आइस क्रिस्टल को कलेक्शन करना होगा। लेट्स गो, देखते फिर से हम उसी रास्ते के साथ सीढ़ी के अंदर चले जाते, देखते फिर से एक और नई सीढ़ी के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर फिर से देखते यहाँ पर आइस क्रिस्टल कहाँ पर हमें मिलने वाले है गाइस। लेट्स गो, फिर से एक और नया आइस क्रिस्टल, फाइनली देखते हमारे यहाँ पर एक और नई टास्क कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट बंदा एक लॉर्ली नाम का आदमी आ चुका है मेरे साथ फाइट करने के लिए, एक अपना ड्यूगोंग को लेकर, इसके ऊपर एनर्जी बॉल का तगड़ा हुआ 68 बचे हुए गाइस। रुको, फिर से गाइस हम यहाँ पर अपना एक और नया एनर्जी बॉल के साथ ड्यूगोंग को यहाँ पर हरा दे। ओ भाई आइसी विन का क्या तगड़ा वार था गाइस, क्योंकि आइस टाइप उसका अटैक था। फिर से लैप्रस आ चुकी है उसके साथ, भाई साहब इस लैप्रस ने अपने सेप्टाइल को ही हरा दिया और नेक्स्ट हमने यहाँ पर फाइनली लुकारियो को चुन लिया है और नेक्स्ट अटैक हमने फाइनली फोर्स पाम के साथ तगड़ा वार 206 अभी तक बची हुई गाइस। फिर से पैरालाइज हो चुकी लैप्रस यहाँ पर फिर से फाइनल वार के साथ, लेकिन लैप्रस बच हुई गाइस। लेट्स गो, फिर से हमने यहाँ पर फाइनल वार रॉक स्लाइड के साथ लैप्रस को यहाँ पर हरा दिया। देखते हैं नेक्स्ट एक मेगा स्लो ब्रो,
इसके ऊपर कुछ ज़्यादा असर तो नहीं होने वाला है अपना। और नेक्स्ट हमने यहाँ पर रॉक स्लाइड कर दिया है और स्लो ब्रो फाइनली मेगा हो चुका है। रॉक स्लाइड का कुछ ज़्यादा तो असर नहीं हुआ, भाई साहब कंफ्यूज हो चुका है लुकारियो। और फाइनली हमने यहाँ पर नेक्स्ट पोकेमॉन यहाँ पर स्नोरलैक्स को चुन लिया है साइकिक अटैक करने के लिए। देखते हैं हमने यहाँ पर क्रंच अटैक का तगड़ा वार वाटर प्लस सबसे पहले लगा। क्रंच का 97 का डैमेज कुछ ज़्यादा असर नहीं, फिर से क्रंच के साथ एक और नया तगड़ा वार। देखते हैं गाइस यहाँ पर 97 का एक और नया तगड़ा वार हो चुका है मेगा स्लो ब्रो के ऊपर, डिफेंस माइनस हो चुका है। इसके साथ स्नोरलैक्स को अब बिग टाइम हरा दिया है इस मेगा स्लो ब्रो ने। और क्लेडॉल को हमने अब बिग टाइम बुलाया अर्थ पावर के साथ तगड़ा वार, 71 बचे हुए और क्लेडॉल के ऊपर भी तगड़ा वार, फिर से अर्थ पावर के साथ फाइनली हमने यहाँ पर मेगा स्लो ब्रो को हरा दिया। और आखिरी पोकेमॉन क्लोइस्टर आ चुका है, इसके ऊपर एशियन पावर का भी तगड़ा वार हो चुका है। यहाँ पर सब कुछ बढ़ चुका है अपने क्लेडॉल का और रेजर शेल के साथ क्लेडॉल को यहाँ पर हरा दिया। और नेक्स्ट यहाँ पर लुकारियो का हमने चुन लिया गाइस। देखते हैं इसका यहाँ पर फोर्स पाम के साथ 28 एचपी बचे हुए क्लस्टर की और फाइनली 22 अपने लुकारियो के और रॉक स्लाइड के साथ फाइनली हमने क्लस्टर को यहाँ पर हराई दिया गाइस इस लॉर्ली नाम के बंदर के साथ। गुड, आई होप वी मीट। तो चलिए फटाफट से हम अब बिग टाइम जाने वाले हैं लाइटिंग बर्ड के पास और वो होने वाला है फाइनली गाइस यहाँ पर आर्टिकुनो। गाइस भाई साहब आर्टिकुनो के ऊपर बहुत तगड़े वार करने होंगे गाइस, क्योंकि इसको बचाने का भी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं क्योंकि हम इस आर्टिकुनो को पकड़ भी नहीं सकते। तो लेट्स गो फाइट आर्टिकुनो। देखते गाइस हमने अपने सेप्टाइल को ही आगे रखा है और हम यहाँ पर पोकेबॉल फेंकने की ट्राई करते हैं, सब कुछ ट्राई करते हैं लेकिन एक भी पोकेबॉल या इस पोकेमॉन को के ऊपर काम नहीं होगा। तो चलिए फटाफट इसके ऊपर हमने ड्यूल चॉप का तगड़ा वार कर दिया लेकिन कुछ ज़्यादा असर तो नहीं हुआ। फ्रीज ड्राई का तगड़ा वार, एश्योरेंस का 42 का डैमेज और फाइनली सेप्टाइल को इस आर्टिकुनो ने हरा दिया। और फाइनली ब्लैक हमने मॉल्ट्रेस को चुन ले लिया है। इंसन रेड के साथ फाइनली 242 का तगड़ा वार, 29 एचपी यहाँ पर बची हुई है। एशियन पावर के साथ फाइनली हमने आर्टिकुनो का खेल यहाँ पर खत्म कर ही दिया गाइस, लेट्स गो। तो चलिए फटाफट से हमने आर्टिकुनो को यहाँ पर हरा दिया। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में फाइनली इसी बंदे के बारे में बोल रहा था स्टार्टिंग में, जियोवानी, इसके पीछे भी इसका ही हाथ था। हा हा हा, बहुत हंस के गया गाइस मेरे सामने। तो चलिए फाइनली हम यहाँ पर अभी के टाइम इसी जगह ही रुकने वाले गाइस, लेकिन रुको, नेक्स्ट मिशन गाइस हमारा 46 लेवल हमें यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी गाइस। और जैसे गाइस मैं यहाँ पर अपने सुपर रॉड के साथ मैं यहाँ पर कैंपिंग सॉरी पोकेमॉन पकड़ने का ट्राई करता हूँ, मेरे सामने गाइस यहाँ पर मेगा गैराडोस आ चुका है गाइस। देखते आगे गाइस, लेट्स गो। और इस जगह पे जैसे ही आप सुपर रॉड का यूज़ करोगे गाइस आपके सामने भी मेगा गैराडोस आ ही जाएगा, आप इसे पकड़ भी लोगे, लेकिन इसके पास जो एबिलिटी है जो मेगा स्टोन गैराडोस नाइट है वो उसके पास नहीं मिलेगा। आप ट्राई भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पर बहुत सारे अल्ट्रा बॉल ग्रेट बॉल का यूज़ किया लेकिन लास्ट एंडिंग में मैंने फाइनली इस मेगा गैराडोस को इस जगह पे पकड़ ही लिया था गाइस, लेट्स गो। और फाइनली गाइज हमने अपने मेगा गैराडोस को पकड़ लिया लेकिन अब हम उसको फाइट करने वाले स्लोपो के साथ। देखते गाइज हम यहाँ पर फिर से हाइड्रो पम्प ह्यूरिकेन, इसके पास है ड्रैगन डास एक्टेल, मैंने यहाँ पर अटैक किया और खुद पे ही इस हाइड्रो पम्प का 55 का डैमेज हुआ, इसलिए मेरा यहाँ पर कुछ भी काम का नहीं है ये मेगा गैराडोस। और भाई साहब अब तक के लिए हम यही पे ही रुकने वाले हैं गाइज। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना मेरे भाई लोग। और हम फिर जाएंगे अपनी 46 लेवल कंप्लीट करने के बाद यार, तब तक के लिए गुड बाय मेरे यार, बाय बाय।